अब जो है हम एक्सरसाइज 12.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे थे ना, हम दो हो गए थे। तीसरा है मैक्सिमाइज। एकता समझ में आ गई ना बेटा तेरा ये? हाँ हाँ जी सर, आ गए। तो हम एक दो और करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। आज इसको फिनिश कर देंगे, कल से रिवीजन शुरू हो जाएगा हमारा। देखो, हमारे पास थर्ड है जेड इज इक्वल टू दिस और सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू क्या है? 3x 5y, सॉरी एक्स, हाँ ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 15। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 5x+2y लेस देन और इक्वल टू 10। तीसरी है x>= 0 और y>= 0। ग्राफ पेपर ले लिया? दिव्या, सर मैंने तो ये चैप्टर कर रखा है सर, पर मैंने ग्राफ पे नहीं कर रखा। अच्छा, ट्यूशन पर पहले जो आसान होते हैं ना उन्हीं को कराते हैं, है ना? सर कंप्लीट हो गया सिलेबस ट्यूशन का। पहले पहले ये आसान कराए होंगे ना। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था सीरियल। अच्छा चलो, देखो बेटा अच्छी बात है, दोबारा कर ले इसको। 3x+5y=15 है। पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे। 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा? 3। y को 0 कर दिया, x कितना आ जाएगा? 5। x=0, y=3, ये पॉइंट हो गया। 5,0 ये पॉइंट हो गया। अब इनको मिला के बढ़ाएंगे। एकता बेटा, एक वो रिलायंस वाला मेरे से बार बार पूछ रहा है, एनडीए के कौन कौन बच्चे हैं, किस किस ने फॉर्म भर रखे। मैं थारा नाम बता दूं उस टाइम? नहीं बताऊं ये रिलायंस वाला? सर मैं आपके पास आज लिस्ट भेज दूंगी कंफर्म करके। लिस्ट वो भेजना तुमने, नाम, पिताजी का नाम और गांव, ठीक है? मोनू, मोनू सुन रहा है क्या? यो काम तो नहीं करना है लड़कों का, सर ठीक है? लिस्ट बना के दे दे मेरे को। ओके बेटा। ठीक है सर अब देखो बेटा, या तो इसके इधर का एरिया है या इसका इधर का एरिया है, तो ये हम कैसे करते हैं? ओरिजिन को इसके अंदर रखेंगे। 0+0<15>, तो इसका मतलब 0<15>, तो इसके नीचे का एरिया है ये, ठीक है? दूसरी लाइन 5x, इसका भी टेबल बनाएंगे हम। तो x0 तो y कितना आ जाएगा? 5। y0 तो x कितना आ जाएगा? 2। तो पहला पॉइंट 0, 2, ये दूसरा वही है 5, 0, तो इसको मिला के ऐसे बढ़ा देंगे। ये है
5x+2y इज इक्वल टू 10। अब इसके इधर का एरिया है या इसका इधर का, तो वही ओरिजिन रखने के लिए इस साइड पड़ता है, तो 0 + 0 < 10 इसका भी नीचे का एरिया है ये। और ये क्या बताते हैं, अग्रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास फिजिबल रीजन ये आ गया। हाँ स्टेडियम में है ही नहीं प्रोग्राम, उसमें बस स्टैंड पर वर्कशॉप में। तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है बेटा, कॉर्नर्स के 0, 0, 5, 0 और 0, 2 आया है यहाँ पे। जेड कितना है, 3x + 5y यहाँ पे रखोगे क्या आएगा जेड, 0 5x+3y है। ओके जेड, ओके गड़बड़ कर दी मैंने। अब 5 रखेंगे हम जेड में तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे जेड में 0, 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। मैक्सिमाइज करना था तो ये हमारा मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो वो कितनी है, 25। तो ये क्वेश्चन है, कई बार तो सीधा ही देगा, कई बार हमने क्वेश्चन में बनानी पड़ती हैं, जो बनाने वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं, वो आगे हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लो इसका, जहाँ पे एक्स और वाई ये 0 ना हो के कुछ और हो, सारे हम x0 y0 हैं, नौवे में है, नौवा देखो। नौवा है मैक्सिमाइज, और बेटा तुमने कोई कराना हो तो करा लियो, मैं तो इस एक्सरसाइज का लास्ट करा रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा प्रॉब्लम्स में, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, बस वर्ड्स प्रॉब्लम हो रहेगी इसकी। ये मैक्सिमाइज मैंने कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं बेटा, x > or = 3, x + y > or = 5, x + 2y > or = 6, y > or = 0। और ये अनबाउंडेड रीजन भी है, ये रह भी रहा था हमारा इस टाइप का। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफ। अब x > or = 3, ये है x = 3 वाली लाइन, x बड़ा है 3 से, तो इधर का एरिया है इसका, पहले x > or = 0 आओ था तो यहाँ से था, x + इसका ग्राफ क्या होगा,
जीरो तो ये फाइव, ये जीरो तो ये फाइव, तो एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। अब या तो इसके इधर का एरिया है या इसके इधर का, यहाँ ओरिजिन रख के देखें, जीरो प्लस जीरो इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, जीरो बड़ा है पाँच से, तो ये नॉट ट्रू है, फॉल्स है ना ये, क्योंकि जीरो तो छोटा होता है पाँच से। तो इसके जहाँ ओरिजिन है वो एरिया नहीं है, उसके दूसरी साइड का है, इधर का एरिया है। तीसरी लाइन कंडीशन नंबर तीन, इसका ग्राफ जीरो तो ये तीन, ये जीरो तो ये छः, जीरो तीन ये पॉइंट हो गए, छः जीरो ये पॉइंट हो गए, इनको मिलाओ। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब या तो इसके इधर का एरिया है या इसके इधर का, तो उसी तरह से ओरिजिन को रख के देखें इसके अंदर, तो यहाँ से क्या नज़र आएगा, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स, तो नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये रीजन नहीं है, इसके दूसरी साइड का है, तो इसका ये एरिया हो जाएगा। और लास्ट है वाई ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ऊपर का एरिया। तो फिजिबल रीजन क्या आएगा कॉमन, ये देखो यहाँ ये बाउंड्री है, इससे आगे में सारे हैं, फिर ये है छोटा सा पोर्शन, फिर ये है और फिर ये है, मैं अब डार्क कर रहा हूँ इसको। यहाँ ये x इज इक्वल टू थ्री की लाइन काट रही है, एक तो ये पॉइंट है कॉर्नर, एक ये पॉइंट है जहाँ दोनों लाइनें काट रही हैं, एक वो है जो x प्लस टू वाई वाली अड़े छः पे काट रहे हैं। तो इन पॉइंटों को लिख लो, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कितना है इस पे तीन, और दूसरी लाइन कौन सी है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, इसमें x को तीन रख दो, तो दो वाई कितना आ गया तीन, वाई कितना आ गया तीन बटा दो। तो ये जो पॉइंट है ए, यो के है तीन कोमा तीन बटा दो। फिर रह गया यो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है बी, जिसको मैं बोल रहा हूँ बी के कोऑर्डिनेट, बी ये लाइन और ये लाइन आपस में काट रही हैं, तो काटने वाली लाइनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अलग पेज पे कर दूं। पहली लाइन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, दूसरी लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो मैं घटा देता हूँ, तो वाई इज इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, टू वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू फाइव बाई टू, तो हमारा पॉइंट, सॉरी वाई तो आया था, वाई को वन रखें, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू फोर। तो ये जो बी पॉइंट है हमारा, ये क्या आया, फोर कोमा टू, यही तो है, एक्स कितना है फोर और वाई कितना आया था वन आया था, वन। एक रह गया यो सी, सी के कोऑर्डिनेट हैं सिक्स कोमा जीरो, और ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड, ऊपर तो खुला है,
तो अनबाउंडेड में क्या करते हैं, इन पॉइंटों को लिखते हैं पहले, 3 3/2 बी 4,1 सी। और जैसे पहले करते थे ऐसे ही जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड कितना है, -x+2y। तो जेड यहाँ कितना आएगा बेटा, -3 + 2 × 3/2 कितना आ गया, -3 + 3 0 आ गया। फिर 4 1 रखा एक्स की जगह, तो -4 + 2 कितना आ जाएगा, -2। फिर क्या रखा बेटा, 6 रखा, तो कितना आ गया यहाँ, -4। तो मैक्सिमम क्या है, जीरो 0। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई ना, इसको यहाँ रखेंगे हम जेड में। -4 कैसे है, -6 आएगा। अच्छा सॉरी, -6 - 2, तब मैक्सिमम तो वही है, 0 है ना। चलो -x+2y, जो मैक्सिमम वैल्यू आई ना उसको रख लो यहाँ, और इसका ग्राफ खींचो। अनबाउंडेड के लिए यहाँ से आगे कार्रवाई बढ़ती है, एक्स्ट्रा कार्रवाई, एक्स्ट्रा वर्क फॉर बाउंडेड होता था, काम खत्म हो लेता। अनबाउंडेड में क्या करना है, जो मैक्सिमम आई उसको लेके ग्राफ खींच लो। टेबल क्या बनेगी इसकी, सर अगर मिनिमम पूछा हो तो उसको भी, उसको उस लेना है उसको फिर। भी लेके हमने ग्राफ पे खींचना है। मैक्सिमम पूछ रखा है तो मैक्सिमम लेके ग्राफ खींच लो, मिनिमम है तो मिनिमम लेके ग्राफ खींच लो। इसका ग्राफ क्या आएगा, एक तो 0 0, भाई एक्स को 0 कर दिया तो वाई कितना आ गया, 0। और एक पॉइंट और ले लो, 2 रख लिया मैंने, तो वाई कितना आ गया, -2 + 2y। तो 2y कितना आ गया, 2y कितना आ गया, 1। और इस ग्राफ को यहाँ इस पे ही खींचो जहाँ पहले खींच रखा था, एक तो है 0 0, ये हो गया। एक क्या है, 2 1, यो 2 है, यो 1 है, यो पॉइंट आएगा। और इसने मिला के बढ़ा दूं, मैं डैश डैश में बढ़ा देता हूं। अगर इसके ग्राफ का और बाउंडेड रीजन का एक भी कॉमन पॉइंट आ जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, नहीं तो न्यू लिखना पड़ेगा, वी कैन नॉट फाइंड आउट। अब ये तो घने कॉमन पॉइंट आ गए, ठीक है मैं चले गया। अगर दूर दूर निकल जाता, इधर से निकल जाता, इधर से निकल जाता, बाईपास हो जाता, इस अनबाउंडेड रीजन के बगैर छुए निकल जाता, तो हम ये लिखते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, जैसा भी पूछ रखे है। लेकिन एक पॉइंट भी अगर कॉमन आ गया तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू जो निकाली वो आंसर, ग्राफ ऑफ -x+2y = 0 हैज मैनी कॉमन पॉइंट्स विद फीजिबल
अनबाउंडेड रीजन, सो एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू थ्री बाई टू मैक्सिमाइज जेड, एंड जीरो इज मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ गई होगी बात, यहां तक तो वही काम था, यहां मैक्सिमम आया मिनिमम आया जो भी आया उसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू छांट ली, मिनिमाइज करना होता तो क्या करते, मिनिमम वैल्यू ले लेते। अब ये जीरो लेके ग्राफ खींच लिया, सीधी बात है ग्राफ और रीजन का जो नया अगर लाइन आई हमारे, इसका और इसका कोई कॉमन पॉइंट आता है तो आंसर है ये, नहीं तो इम्पॉसिबल आंसर है। समझ आ गई हो बात बेटा, इफ शाम को हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो यहाँ तक का कर लेना बेटा। ये वर्ड्स प्रॉब्लम चार डाल के हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, प्रोडक्ट बनाएगा ए और बी, डाइट प्रॉब्लम, डाइटिशियन बैठे होंगे डाइट बताएंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिपो होंगे वहाँ से सामान ढोया जाएगा, तीन तरह की प्रॉब्लम हैं जो कि पूछी जाती हैं। एक एलोकेशन प्रॉब्लम है, बस यही है और इनके अलावा कुछ नहीं होता इसमें। तुम स्टेटमेंट न पढ़ोगे यार फटाफट यूँ समझ जाओगे सर इसमें तो ये है। That's all. ठीक है यहाँ तक का करके देखा, तुमने करके नहीं देखा है बेटा क्वेश्चन, सर आज दिखा देंगे कंप्लीट। हाँ ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन, ओके बेटा।